महाकाल थाना क्षेत्र एवं जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में बड़ा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। रात्रि में एक दर्जन गाड़ियों के तोड़े कांच और दो बाइक जलाई। महाकाल थाना क्षेत्र एवं जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में इन दिनों असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले माँ शिप्रा राम घाट पर प्रदेश सहित देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने निजी वाहनों एवं बसों द्वारा माँ शिप्रा का स्नान करने आते हैं। साथ ही कई श्रद्धालु पितरों के कर्म आदि के लिए रात्रि विश्राम भी घाटों पर बनी धर्मशाला एवं आश्रमों में ही करते हैं। साथ ही अपने बड़े वाहन रामघाट क्षेत्र के आसपास पार्क कर देते हैं। लेकिन इन दिनों शिप्रा रामघाट क्षेत्र में असामाजिक तत्वों का आतंक बढ़ा है। कई असामाजिक तत्व के लोग मादक पदार्थों का सेवन रात्रि को घाटों के किनारे करते हुए देखे जा सकते हैं। इन असामाजिक तत्वों से श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अब इनकी गतिविधि बढ़ने लगी है। रात्रि को शिप्रा रामघाट क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कई बड़ी गाड़ियों के कांच फोड़ दिए गए। शिप्रा तट स्थित वरुण देव मंदिर के पास तलवार वाला पंडा की फोर व्हीलर गाड़ी के कांच असामाजिक तत्वों द्वारा फोड़ दिए गए। वहीं जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धाकड़ धर्मशाला के पास खड़ी गुजरात से आई बस के कांच तोड़ दिए। इसी के साथ भावसार धर्मशाला के पास खड़ी दो गाड़ी बलोटीपुरा में खड़ी एक मारुति वैन के कांच फोड़े। वहीं एक ऑटो को जलाने की कोशिश की गई। साथ ही यहां खड़ी दो टू व्हीलर गाड़ियों की सीट को भी जला दिया गया। टू व्हीलर गाड़ी के मालिक द्वारा आग को पानी से बुझाया गया। घटना को अंजाम देने वाले लोग फरार हो गए। सुबह जैसे ही लोगों की नींद खुली, उन्होंने तत्काल डायल 100 पर फोन कर सूचित किया। इस पर 100 डायल द्वारा मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। चैनल से चर्चा में गोलू गुरु तलवार वाला ने बताया कि रात्रि में हमारी गाड़ी के कांचों को तोड़ दिया गया है। इन दिनों घाटों पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ी है। पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर रामघाट क्षेत्र पर इन असामाजिक तत्वों पर कार्यवाही करते हुए रोक लगाना चाहिए। रामघाट क्षेत्र में अवैध असामाजिक तत्वों के द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा गतिविधि बढ़ गई है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, गाड़ी का कांच फोड़ दिए हैं। आगे भी छोटे पुल तरफ भी गाड़ियों बसों के कांच, यात्री बसों के कांच फोड़ दिए हैं। इससे हमारे उज्जैन की छवि खराब होती है। दूसरी बात ये कि असामाजिक तत्व इतने बढ़ गए हैं कि नशा मुक्ति केंद्र, मैंने पहले भी बताया, जानकारी में दिया गया था कि यहाँ लोग नरवेट कर नशा करते हैं, इसलिए पुलिस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर किस तरह यहाँ घटी है, ये मेरी भी गाड़ी है। रात को ये घटना हुई थी और ये सारी गाड़ी फोड़ी, इसलिए मेरी भी गाड़ी जला के गया रात को। ये रात को कम से कम 2:10 की बात है।